तो कृषि मंत्री का ये बयान देखिए, खाद को लेकर के प्रदेश में जिस तरह से किसान परेशान हो रहे हैं, इसको लेकर के सीएम भी ये बात बार बार कहते नजर आ रहे हैं कि डीएपी खाद की किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और यहाँ पर कृषि मंत्री के द्वारा भी ये बात कही गई है कि सरकार की पूरी तैयारी है खाद को लेकर के, किसी प्रकार की कोई समस्या जो है वो नहीं आएगी। तो खाद को लेकर के आश्वासन लगातार सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने पूरी तरह से खाद का इंतजाम कर रखा है, किसी भी जिले में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अभी कुछ तो हमारा खाद रास्ते में है, कुछ पहुंच गया, दिक्कतें दूर हो जाएंगी। कोई ऐसा नहीं है अभी कोई हमारा कोई खाद की कमी है। उनका सीजन तो 10% के करीब आसपास है। अभी पहले जो एकदम चुनाव के टाइम में कुछ दिक्कतें थी, लेकिन अब तो कोई दिक्कत नहीं है, और ना तो धान की बिक्री में, ना किसान को पैसे मिलने में, ना उठान में, सारी तरह से अब ठीक है काम मंडियों के अंदर। देखिए, सुरजेवाला जो बात उठाता है, वैसे तो वो राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य है, उसने राजस्थान की चिंता करनी चाहिए। हरियाणा प्रदेश में 24 फसलें MSP पे बिक रही हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश है, सरकार है यहाँ पर। वो अपने जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ की चिंता करे, वहाँ जाके देखे ना MSP बिक रहा है कि नहीं बिक रहे, तो वो देखेंगे ना, कांग्रेस वाले चुनेंगे। उनमें गुटबाजी है, उसकी वजह से वहाँ पार्टी का काम कम है, गुटबाजी ज़्यादा है, इस वजह से उनके दिखते हैं, आगे भी रहेंगे और पहले भी रहेगी। और चंडीगढ़ से खबर, जहां सीएम नायब सैनी से मिले डोम समाज के लोग। डोम समाज के प्रतिनिधियों ने की सीएम से मुलाकात। डोम समाज ने किया सीएम सैनी का अभिनंदन। संत कबीर कुटीर में सीएम सैनी का अभिनंदन किया। सीएम ने समाज के लोगों के साथ खाना खाया है। सीएम नायब सैनी का